अग्निपथ योजना के खिलाफ जनपद के युवाओं में भी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि गुरुवार को युवाओं ने खजनी से पैदल विरोध करते हुए सहजनवा कालिसर जीरो पॉइंट पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने लगे। युवाओं का कहना है कि पहले 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी वाली योजना पेश कर दी है, यह हमारे लिए धोखा है। वहीं प्रशासन और पुलिस ने युवाओं को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है, इसके विरोध में कालेसर चौराहे पर करीब 200 युवा एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे तथा उनको समझा बुझाकर और उनका ज्ञापन लेकर वापस कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, नहीं जेनी खड़े होते पड़े ना तेज से सरकार पर, सरकार की नई योजना में हम युवाओं को अगर उसमें छूट नहीं दी गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और सेना में भर्ती होने की इच्छा पीछे चली जाएगी। हम लोग हिंदी में मांगे हैं कि युवा छात्रों के भविष्य को ध्यान भर्ती नहीं हुई है, उसने अर्थात कोविड कार्ड को जोड़ते हुए कम से कम 3 साल की उम्र की छूट देने की कृपा करें। समय समय पर सेना की आयोजित परीक्षा जो निरस्त कर दी गई है, हम युवा का भविष्य सुधर सकते हैं। जो युवा छात्र मेडिकल और जो उनकी परीक्षा पास सुशांत यादव। देखिए सर, हम लोग एक ही मांग है, टूर ऑफ ड्यूटी जो अभी लागू हुआ है 4 साल के लिए सेना में, वो हटाई जाए, पुरानी प्रक्रिया बहाल हो, जैसे कि पहले भर्ती होती थी उसी प्रक्रिया से भर्ती हो, और जो हमारे भाई ओवर एज हो गए हैं भर्ती न आने के कारण, उन्हें आयु में 2 साल की छूट दी जाए, यही हमारी मांग है सर। यही मांग कर लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय जिला जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुँचाएंगे। उनके आश्वासन के बाद हम लोगों ने इस धरने को किया है। सुना, अगर हमारे इन विचारों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, हमारी बातों को सुना नहीं जाता, तो पुनः यह प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे और पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने लिखित तौर पर दिया है, उन्होंने खुद लिखित तौर पर दिया और इस मामले को निर्णय, तो उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसे ऊपर तक भेजेंगे। जो केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निवीर योजना लागू की गई है, इसके विरोध में कालेश्वर चौराहे पर काफ़ी संख्या में छात्र एकत्र हो गए थे, उनको समझा बुझा के और उनका ज्ञापन लेके उनको वापस कर दिया गया। लगभग 150 से 200 की संख्या में छात्र, कितने एग्जाम किए थे सर? रास्ता नहीं जाम किए थे, लेकिन इकट्ठा हो गए थे, वहाँ से पदयात्रा किए थे।